सभी राम भक्तों को जय श्री राम। आप देख रहे हैं एबीआर न्यूज चैनल हजारीबाग। हजारीबाग इंटरनेशनल रामनवमी गांव से लेकर शहर तक इंटरनेशनल रामनवमी माना जाता है, जो आज 2022 का रामनवमी की एक झलक आपको झांकी के सहित हजारीबाग में हो रहे झांकियां प्रस्तुत उसको दिखा रहे हैं। रामनवमी बहुत बढ़िया है, प्रशासनिक तैयारी भी अच्छी है, लोग काफी हर्षोल्लास के साथ इसको मना रहे हैं, बहुत बढ़िया हो रही है रामनवमी। हजारीबाग के इंटरनेशनल रामनवमी झांकियां सहित करीब करीब 150 झांकी प्रस्तुत की जा रही है, जिसमें पुलिस प्रशासन एवं पदाधिकारी एसपी डीसी सहित प्रशासनिक पदाधिकारी इस उत्सव को संपन्न कराने में अच्छा सराहनीय के साथ लगे हुए हैं। कोशिश रहेगा कि आज एकादशी 10 बजे रात तक ये सारी झांकियां संपन्न कराया जा सकता है, और सही अभी तक कोई आपत्तिजनक घटना घटने की कोई सूचना नहीं है। बहुत शांतिपूर्वक से हजारीबाग त्यौहार में मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये फुटेज कैमरा, जो हर शहर के अंदर में कैमरा लगा हुआ है, जो कहीं से कुछ भी सारा चीज़ सारा एक जगह स्टेशन पे देखा जा रहा है। कई चैनल जुड़े हुए इसके अंदर, सभी चैनल जुड़े हुए हैं, और हजारीबाग इंटरनेशनल माना जाता है, जो आज इस त्यौहार को बहुत अच्छे से धूमधाम से शांतिपूर्वक से मनाया जा रहा है, जो पुलिस प्रशासनिक का भी बहुत बड़ा योगदान और राम भक्तों का भी बहुत बड़ा योगदान है। लगे हुए हैं कि सही सलामत ये त्यौहार ऐतिहासिक 100 वर्ष पूर्व से मनाया जा रहा है। हजारीबाग में इंटरनेशनल रामनवमी कहा जाता है, इसमें बड़े
अधिकारी लोग भी उपस्थित हैं, जिनसे हम आइए मिलते हैं और मिलकर कुछ बात करते हैं और क्या कहते हैं हमारे यहाँ के अधिकारी। हजारीबाग के डीसी एवं एसपी मौजूद हैं इस स्टेज पर और अपील कर रहे हैं हजारीबाग वासियों को कि सही सलामत से शांतिपूर्वक त्यौहार को मनाएं। धन्यवाद। अशोक बंटी।